छुईया घाटी में दिन दहाड़े हत्या, रीवा में शराब पार्टी के बाद पत्थर पटक कर युवक की हत्या। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर है रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत छुईया घाटी की, जहां दिन दहाड़े एक युवक की पत्थर से पटक कर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक शनिवार की दोपहर से शाम तक युवक का फोन रिसीव नहीं होने पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत दर्ज की। ऐसे में गोविंदगढ़ पुलिस साइबर सेल की मदद से खोजते खोजते घटना स्थल पर पहुंच गई। वहां मौके पर देखा कि वाहन के आने जाने के पहिए हैं और 100 मीटर अंदर गए तो शराब पार्टी में उपयोग की गई सामग्री देखी। आसपास सर्चिंग की तो पत्थर में खून दिखा। आगे खाई की ओर बढ़ने पर पत्थर के नीचे लाश दिखी। इसके बाद पुलिसों ने परिजनों को बुलाकर शिनाख्त कराई। फिलहाल लाश को कब्जे में लेकर मर्चुरी में रखवा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 24 सितंबर की शाम 5 बजे के आसपास छुईया घाटी के पास से विवेक तिवारी पुत्र उमेश तिवारी 27 वर्ष निवासी लोही थाना सिटी कोतवाली की लाश मिली है। घटना स्थल मुख्य हाईवे से 100 मीटर अंदर है। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी उप निरीक्षक शिवा अग्रवाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी डॉक्टर आरपी शुक्ला ने बताया कि घटना स्थल की जांच में डिस्पोजल, पानी की बोतल, एक पाव में शराब 50 ml, दोना, समोसे की चटनी मिली है। आशंका है कि 2 से 3 लोग शराब पार्टी करने के बाद पत्थर मारकर युवक की हत्या कर दी है। मृतक के सिर से लेकर पैर तक गहरे जख्म हैं। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी उप निरीक्षक शिवा अग्रवाल ने बताया कि हत्या के आरोपियों ने राज छिपाने के लिए पत्थरों के बीच सब कुछ छिपा दिया था। लाश पूरी तरह से पत्थरों से ढकी हुई थी, जिसको पुलिस ने काफी मकसद के बाद खोज निकाला है। इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर साइबर सेल की मदद ली जा रही है। पुलिस का दावा है कि संदेही रडार में है। ऐसे ही अपने क्षेत्रों की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।